फैसला करिएगा कि खाली सुनिएगा। कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और शिक्षकों सुनो, आप नहीं जानते शिक्षकों को, अरे अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेगा। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना, सुनिए हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका। कल मैंने कह दिया था, वो लागू हो गया है। अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले, हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा, पूरी बात सुनिए, हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा। कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेगा। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना, सुनिए हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा, टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है, टीचर को हमेशा बच्चों बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने साथ पर जाइए, अपने साथ पर जाइए, तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पर जाइए, इतना सुनते थे, अपने स्थान पर जाइए। कह दिया आप, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए, अपने स्थान में बैठिए, एक अपने स्थान में बैठिए।